राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा, बोलो तुलसी माता की जय। तो दोस्तों, कार्तिक का महीना शुरू हो गया है। तो कार्तिक का महीने में तुलसी की पूजा का और भी महत्व बढ़ जाता है। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो सुबह और शाम तुलसी लगाना चाहिए और तुलसी के पास में कथा भी सुननी चाहिए। तो आज हम तुलसी माता की कथा सुनाएंगे, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी को सींचती और वहाँ से चली जाती, लेकिन एक बुढ़िया आती और वो एक वहाँ आती और बुढ़िया माई वहाँ आके और तुलसी को सींचती और कहती, तुलसी माता तू सबकी दाता, मैं विरला सींचूँ तेरा, तू करनिस्तारा मेरा। माता अड़वा दे लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, और चटके की मौत दे, पटके की मौत दे, चटके की चाल दे, चंदन की काठी दे, और झालर की झनकार दे, और साई का राज दे, और दाल भात का ग्रास दे, और एकादशी की मौत दे, और श्री कृष्ण जी का दाना दे। वो तुलसा रोज वो बुढ़िया माई वहाँ आती और इसी तरह से रोज आके कह के चली जाती। तो धीरे धीरे वो तुलसा सूखने लगी। तो एक दिन श्री कृष्ण जी आए और पूछने लगे कि हे तुलसा माता, तुम इतनी औरतें आपको सींचती हैं और फिर भी तुम सूख रही हो, इसका क्या कारण है? तो तुलसा माई बोली कि हे भगवान, एक बुढ़िया माई रोज आती है और वो ऐसे कह के जाती है, तो मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, लेकिन श्री कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊँगी? तो भगवान बोले, कोई बात नहीं है, जब इसकी मौत होगी तो कांधा देने के लिए मैं स्वयं पहुंच जाऊंगा। बुढ़िया माई का देहांत हुआ तब सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी करने लगे। तो बुढ़िया माई में जैसे बुढ़िया माई को उठाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि वो किसी से उठी नहीं। तो सब लोग बोले कि बुढ़िया माई इतनी पूजा पाठ करती थी और फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तो कई लोग बोले कि पापिन थी इसलिए इतनी भारी हो गई है। अब है बोले मुझे इसके तब वहाँ एक ब्राह्मण के रूप में श्री हरि आए और आकर बोले, मुझे इसके कान में एक बात कह लेने दो। तो सब बोले, ठीक है, तुम भी कह के देख लो। जो तभी भगवान बुढ़िया माई के पास आए और उसके कान में कहने लगे, बुढ़िया माई मन की कर ले, अड़वा ले लड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, और मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, और पटके की मौत ले। तो इतने में पटके की मौत ले, चंदन की काठी ले, और झालर की झनकार ले, दाल भात का ग्रास ले, और एकादशी की मौत ले, और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले। तो बुढ़िया माई एकदम हल्की हो गई। जो इतना कहते ही बुढ़िया हल्की हो गई, भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बुढ़िया माई को दिलाई ऐसी हमें भी दिलाना, जैसे उसे श्री कृष्ण का कांधा मिला है वैसे हमें भी दिलाना। बोलो तुलसा माता की जय, बाके बिहारी लाल की जय।